हेलो एंड वेलकम टू प्रतिभा पाठशाला। मेरा नाम है विकास झा और हम लोग जो यहाँ पे चैप्टर कर रहे थे वो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो लाभ और हानि चैप्टर में इससे पहले हमने लेवल वन के दो सीरीज किए थे जिसमें पांच पांच क्वेश्चंस हुए थे। तो आज जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेवल टू के कुछ क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जो थोड़ा लेवल अप करके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे आज हम लेवल टू में। तो लेवल टू का जो आज का हमारा सेशन है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेवल टू का जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो आप कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ टेबल फॉर ₹717 इज 11:1/9% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹527। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ₹717 में एक टेबल बेचने के बाद होने वाला जो लाभ है वो नुकसान का जो 11.1/9% है वो ज्यादा किससे जब उसे ₹527 में बेचा जाता है। मतलब जो लाभ हो रहा है ₹717 में बेचने पे जो लाभ हो रहा है वो ₹527 में बेचने पर जो हानि होगी उससे 11:1/9% क्या है ज्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 10% आपको लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होगी। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दी है कि 10% प्रॉफिट चाहिए, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये पहले लाओ कि जो हमें निकालना है उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे निकालना है क्रय मूल्य पता होनी चाहिए, आप निकाल रहे कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस परसेंटेज प्रॉफिट ये वो कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको टू दी पॉइंट रहना कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है अगर आपको विक्रय मूल्य निकालनी है सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो देखो आप, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था कि जो 11:1/9% दिया है ना, ये 11:1/9% मोर देन है लॉस से। मतलब ये जो 11:1/9% है ये क्या है मोर देन है, मतलब ज़्यादा है किससे लॉस से। यहाँ पे चीज़ें दी हुई थोड़ी मिसप्रिंट हो गया कि 11:1/9% है, लेकिन ये नहीं होगा, क्या होगा 11:1/9% ज़्यादा है, क्या है ज्यादा मोर देन है किससे लॉस से। तो सॉल्यूशन देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक हमारा होगा सीपी, एक कंडीशन एसपी का दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे बेच कितने में रहा है 717 में। यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 717 और सेकंड सेलिंग प्राइस जो है वो सेकंड कंडीशन में कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस वो देखो आप, ये दिया हुआ है हमारा कितना 527। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे अगर हम बेच रहे हैं 717 में जो हम सामान को बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है ना वो 9:1/11:1/9% ज़्यादा है किससे लॉस से। लॉस से 11:1/9% प्रॉफिट ज़्यादा है, परसेंटेज नहीं प्रॉफिट, परसेंटेज ज़्यादा नहीं है प्रॉफिट ज़्यादा है। मतलब डेटा दी हुई है कि 11:1/9% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएंगी 1/9। अब क्या दिया हुआ है ये देखो कि एक टेबल बेचने के बाद होने वाला जो लाभ है, लाभ क्या है हानि से इतना प्रतिशत ज़्यादा है, मतलब हानि से इतना प्रतिशत ज़्यादा है। अगर ये 9 रहा होगा हानि, ये 9 रहा होगा हानि मतलब लॉस, तो 9 + 1 कितना होगा 10, ये क्या होगा प्रॉफिट। मतलब 9 हो गई लॉस 10 हो गया प्रॉफिट। अब आप ये बताओ कि सीपी यहाँ पे दिया हुआ है, सीपी से कुछ ना कुछ कम रहा होगा, मतलब इस साइड वाला क्या है लॉस है इस साइड वाला प्रॉफिट है। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस है, इसके बीच का डिफरेंस बताओ आप, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे वो कितना होगा। जब आप 717 में से 527 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी 190, मतलब ₹190 का डिफरेंस है किसके बीच में। सीपी में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो ये जो एसपी आएंगी ये प्रॉफिट आएंगी, और सीपी में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे हानि आ रही है इस वैल्यू पे तो ये लॉस आएंगी। मतलब प्रॉफिट प्लस लॉस 190 है, यहाँ पे प्रॉफिट प्लस लॉस 19 यूनिट है, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 190, 19 यूनिट की वैल्यू 190 आई। अब आप क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू तो 10 आ गई, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 है, तो 9 का वैल्यू हो गया 90 लॉस हो रहा है, और 10 अगर प्रॉफिट है तो 10 का वैल्यू हो गया 100, मतलब ₹90 का या तो लॉस हो रहा है या ₹100 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि जो प्रॉफिट आ रहा है ना ये 11:1/9% ज़्यादा है किससे लॉस से, ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, मतलब प्रॉफिट 100 का हो रहा है। अब हमें पता है कि 717 SP है, प्रॉफिट 100 का हो रहा है, इसमें से 100 माइनस कर देंगे CP आ जाएगी 617। या तो आप इस तरीके से निकाल लो, ये 617 है,
या फिर आप क्या करोगे, सीपी 617 है, इसमें से अगर आप लॉस माइनस कर दोगे तो आ जाएंगे एसपी, या फिर 527 में जब आप लॉस, 527 सेलिंग प्राइस है, जब आप लॉस क्या करोगे ऐड करोगे तभी क्या आएंगी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में जब हम प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आता है कॉस्ट प्राइस। तो दोनों चीज़ों से हमने देख लिया कि सीपी क्या है हमारा, 617 हमारा सीपी आ गया। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 10% का लाभ चाहिए, व्हाट वुड बी दी सेलिंग प्राइस इफ़ यू वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब 617 हो गया कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। अब हम इजीली क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। आपका सीपी आ गया कितना, 617। आपको निकालना है एसपी, एसपी क्या होगा, 617, 10% का प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 11 सही 10, मतलब 617 को जब 11/10 करोगे तो आपका एसपी आ जाएगा, ये एसपी निकल जाएगा। मतलब 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 617 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 11/77, 11 × 11 = 7, 18 × 1 = 66, 67। जीरो है तो एक डेसिमल लगा जाएगा, 6678.7 रुपीज ये हो जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। ये जो आपका ऑप्शन बी है ये हो गया आंसर। या तो आप ऐसे निकाल लो, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 617 जो सीपी दिख रहा है ना आपको, 617 सीपी है, और 10% का आपको क्या प्रॉफिट निकालना है, 10% प्रॉफिट भी चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो 617 का जब आप 10% निकालोगे, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 617 का जब 1/10 करोगे तो ये वैल्यू जो प्रॉफिट आएंगी वो आएंगी आपकी क्या, 61.7, इसका 61.7 होगा। तो क्या हो जाएंगी एसपी, क्या हो जाएंगी सीपी प्लस प्रॉफिट। इसको जब इसमें ऐड करोगे तो 0.7 इधर ही रह जाएगा, 0.7, इसको ऐड करो, 7 × 1 = 8 हो गया, 6 × 7 = 678.7, सेम चीज़ है। तो इतना 11 से मल्टीप्लाई ये सब नहीं करना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया कितना, 678.7। ये था हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे लेवल 2 का ही क्वेश्चन सेकंड। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹600 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹400 लेस, देन ही वुड गेन 10% मोर प्रॉफिट, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। आपको क्रय मूल्य निकालना है। एक आदमी अपने माल को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे ₹600 कम में खरीदा और ₹400 कम में बेचा होता, मगर कंडीशन आपको एक कंडीशन दे रहा है कि यहाँ पे तो दे रखा है कि 20% लाभ पे बेचता है, लेकिन जिस किसी ना किसी जो बेच रहा है ये किसी न किसी दाम पे खरीदा होगा पहले, जो जिस दाम पे खरीदा था ना उससे अगर वो ₹600 कम में खरीदे और ₹400 कम में बेचे तो 10% का उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। मतलब पहले हो रहा था 20% प्रॉफिट, अगर 10 और हो रहा है तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है ये 600 माइनस करने के बाद नहीं, इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो स्टार्टिंग में रही होगी जब 20% लाभ पे बेचा जाता है उस टाइम पे इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या थी, ये आपको निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखो आप जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में बेचते हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब क्या हुआ है, 5 अगर सीपी रहा होगा, सीपी और ये एसपी, अगर 5 रहा होगा सीपी तो एसपी क्या हो गया 6, ये रेशियो रहा होगा दोनों का, स्टार्टिंग में सीपी एसपी का जो रेशियो रहा होगा वो होगा 5:6। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए xx लगा देते हैं, 5x सीपी है, 6x एसपी है। अब आपको क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं कि अगर उसने इसे ₹600 कम में खरीदा होता, 5x का है हमारा क्रय मूल्य, कह रहा है कि अगर इसको ₹600, 5x तो कॉस्ट प्राइस है, इसमें से अगर ये 600 कम में खरीदा होता, और एसपी के बारे में क्या दिया हुआ है कि 6x तो है ही, स्टार्टिंग वाली एसपी 6x है, इसमें अगर इसको ₹400 कम में बेचा होता, 6x तो इसे एसपी है, ₹400 इसको कम में बेचा होता, तो क्या हो रहा है कि 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, पहले हो रहा था 20% का लाभ, अब हो रहा है 30% लाभ। मतलब 20% तो यहाँ पे हो रहा था स्टार्टिंग में, अब क्या हो रहा है 10% क्या हो रहा है अधिक लाभ हो रहा है। इसको आप ये मत पढ़ लेना कि 10% का लाभ हो रहा है, दोनों वैल्यू अलग आ जाएंगी, गलती कर दोगे आप। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10% अधिक लाभ हो रहा है, 20 हो गया, ऐड कर दोगे तो हो गई क्या वैल्यू 30, तो 30% का प्रॉफिट हो रही है, 30% का, जैसे हम यहाँ पे निकाले थे ना 5-6 सीपी एसपी, यहाँ पे भी वही सीपी, ये क्या है
ये हमारी CP, ये है क्या SP, ये दोनों, इसी दोनों का हम रेशियो निकालेंगे कि 30% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3/10 हो रहा है। 10 अगर CP होंगी, 10 अगर CP होंगी तो SP क्या रहा होगा, 10 + 3 = 13। यही इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब 13 का आप इसी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आएंगी, 65x माइनस 7800 इज इक्वल्स टू 60x माइनस 4000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 65x 60x इधर करोगे माइनस करोगे तो ये हो जाएंगी 5x माइनस 4000, अपनी जगह पे माइनस 7800 को सेट करोगे तो माइनस 4000 हो जाएगा, लिख ही लेते, माइनस 4000 प्लस 7800 हो जाएगा, मतलब आ गया आपका क्या, 7800 में से ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 3800 रुपये। आपको किसकी वैल्यू आ गई, 5x की वैल्यू आ गई। अब इससे आगे आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है, या फिर x की वैल्यू निकालो उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकालो। आपको क्रैमूल ही तो निकालना था ना कि प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है, व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इट इज 5x। आपको 5x की वैल्यू पता चल गई 3800, यही तो आंसर होंगी हमारी। अब आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि x निकालो फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x ही तो निकालना था, 5x हमें पता चल गया 3800, तो हमारा जो ऑप्शन है ये हो गया ऑप्शन सी, ₹3800 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए होंगे आप अच्छे से, क्या क्या फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये देख लो आप, 20% का प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में, पहले कह रहे हैं तो हमने 1/5 मान लिया, यही होगी ना इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो अगर CP रही होगी 5 तो SP हो गई 5 से 1 ऐड होकर के 6x हो गई SP। अब कह रहा है कि अगर क्रैमूली में से 600 रुपये कम में खरीदा होता और विक्रैमूली से 400 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। 20 का पहले हो रहा था, 10 बढ़ गया, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3/10, 10 हो गया CP, 10 + 3 = 13 हो गया SP, मतलब ये हो गया CP SP का न्यू रेशियो। जब ये कंडीशन अब लग जाएंगी 600-400 वाला, तो अब जब आपके पास ये चीज़ें आ गई तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 13 का हमने इसे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ें आई, 10 को इसे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ें आई, इससे हमें निकल गया 5x की वैल्यू। 5x ही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, ये हो गया हमारा आंसर लेवल 2 का क्वेश्चन 2, ये हो गया खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गई होंगी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन लगा दोगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे लेवल 2 का ही क्वेश्चन 3। ओ मैन परचेज सम बनानास एट द रेट ऑफ 11 बनानास फॉर ₹10 एंड सेल्स ऑल द बनानास एट द रेट ऑफ 10 बनानास फॉर ₹11। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। एक आदमी जो है वो कुछ केले, मतलब कोई भी केले, यहाँ पे सर्टेन क्वांटिटी होगी, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि 2000 केले थे या 5000 थे या 10000 थे, कुछ केले जो है वो रेट दिया हुआ है कि रेट क्या था, 10 रुपये में 11 केले की दर से खरीदे, मतलब 10 रुपये में 11 केले की दर से इसने खरीदे और 11 रुपये में 10 केले की दर से सभी केले बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको निकालनी है यहाँ पे। यहाँ पे गिवन नहीं है कि लाभ होगा या हानि होगा, वो हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, लॉस होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होंगी तो प्रॉफिट होगी। तो ये चीज़ें अब हम आगे देखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करेंगे हम, इसका मेथड देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। यहां पे हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, ये देखो ये हमारा क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस, यहां पे लिख रहे हैं हम CP, यहां पे लिख रहे हैं SP। ये पैटर्न आपने देख लिया। अब देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, खरीदते टाइम का हम ऊपर लिखेंगे, बेचते टाइम का नीचे लिखेंगे, जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब आगे देखो आप कि एक आदमी ने कुछ के लिए 10 रुपये में 11 की दर से खरीदे, 10 रुपये में 11 की दर से, मतलब हुआ कि 11 केलों का जो प्राइस है वो 10 रुपये इस रेट से खरीदा था, मतलब जो 11 केले है ना वो 10 रुपये की दर से खरीदा इसने, और बेचे कैसे, 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिए, मतलब 10 केले बेच दिए 11 रुपये की दर से, खरीदे थे 11 केले 10 रुपये की दर से और बेच दिए 10 केले 11 रुपये की दर से, ये क्या है, प्राइस है, CP है ये। खरीदते टाइम ये रही है इक्वेशन और बेचते टाइम ये रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना कि प्राइस यहाँ पे दिख रहा है 10, यहाँ पे दिख रहा है 11, आपने एक डिफरेंस देख लिया, 1/10 × 100 कर दिया प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, नहीं आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब तक आपकी क्वांटिटी सेम नहीं होगी तब तक आप एक्चुअल कॉस्ट प्राइस या जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते। ये रूल होता है कि
क्वांटिटी जब तक सेम नहीं होगी आप कैसे निकाल सकती हो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दो मार्कर है, इस साइड तीन मार्कर है, दो मार्कर का प्राइस 200 रुपये है, तीन मार्कर का प्राइस अगर 400 रुपये है तो आप 200 और 400 पर नहीं निकाल सकती। जब तक दोनों मार्कर क्वांटिटी सेम रहेगी तभी आप निकाल सकती हो। मतलब या तो आप दोनों मार्कर की सेम क्वांटिटी करो, मल्टीप्लाई कर दो उसके प्राइस को बाद में, या फिर क्या करोगे एक एक मार्कर की प्राइस कॉस्ट प्राइस देखो एक मार्कर की कितनी है, एक मार्कर की सेलिंग प्राइस क्या है, तब आप एक्चुअल कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाल सकती हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी देखो यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वांटिटी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 11 खरीदे जा रहे हैं, बेचते टाइम 10 बेचा जा रहा है, हम क्या करेंगे क्वांटिटी को सेम करेंगे। 11 और 10 को सेम करने के लिए क्या किया जाता है दोस्त, कि 11 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 11 से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया रहेगा ना कहीं पे 8 और 9 है, इस दोनों को सेम करो, तो सेम करो यहाँ पे आप प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 1 ही करना है, ऐसे नहीं करोगे इसे। आप करोगे क्या 8 और 9 दिख रहा है ना, आप इसको सेम करना है, तो 9 यहाँ पे है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आप दोनों सेम होगी 8 9 72 9 8 72, तो ऐसे करके सेम किया जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि 11 और 10 तो क्वांटिटी थी, दोनों को सेम करना था, 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई करते 11 के से क्वांटिटी सेम होगी। अब देखो क्वांटिटी में जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 11 का दाम अगर 10 रुपये है तो 11 गुने 10 किया तो प्राइस भी 10 गुने 10 हो जाएंगी। अगर 10 सामान है उसका दाम 11 है, अगर प्राइस सामान को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्राइस भी तो 11 से मल्टीप्लाई होंगी, मतलब प्राइस क्या होगी 11 गुने 11। अब क्या हुई, अब हमारी जो हमारी रूल होती है वो फॉलो हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हमने सेम कर दिया, अब हम प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। मतलब 11 गुने 10 यहाँ भी क्वांटिटी 110 हो गई, 10 गुने 11 ये भी 110 हो गई, क्वांटिटी सेम होगी। अब प्राइस की वैल्यू पर हम क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। 10 गुने 10 कितना होता है दोस्त 100, मतलब 100 रुपये, यहाँ प्राइस की बात हो रही है ना तो ये रुपीज 100 है, क्या सीपी और एसपी कितनी हो गई 11 गुने 11 121 रुपये, मतलब सीपी है 100 एसपी है 121। अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे हम, सीपी 100 है, देखो सीपी कितनी है 100 और एसपी कितनी है 121, हमें तो यही निकाल लिया ना, ये देखो ना आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर समझ आ गई कि सीपी से जो एसपी है एसपी इज ग्रेटर देन और मोर देन सीपी, तो यहाँ पे तो लॉस तो होगा नहीं, लॉस नहीं होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब आपको पता करना है कितनी परसेंट का हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पे निकालेंगे तो वो तो सेम वैल्यू आती है 21 का 100 परसेंटेज, ये 100-100 कटी जाती है, इसलिए जो भी डिफरेंस रहता है वो ये 100 पे हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालो या लॉस परसेंटेज, वो सेम वैल्यू आती है, तो 21% क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है मतलब प्रॉफिट होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये 20% प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन थर्ड, आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस डेटा चेंज करके देगा पेपर में, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 8-9 रहेगा, यहाँ पे 9-8 रहेगा, या फिर यहाँ पे 12-6 रहेगा, 6-12 रहेगा, बस आपको प्राइस से मतलब नहीं है, क्वांटिटी जो है ना इसको सेम करना है आपको। क्वांटिटी जब आप सेम करोगे तो जिससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्यों करना पड़ेगा, जैसे देखो मान के चलो अगर आपको एक आम है इसका दाम है 8 रुपये, आपको निकालना एक गुने आप मुझे 4 आम का प्राइस बताओ, तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यार तो यहाँ भी तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो प्राइस निकलेगी 832 रुपये। तो इसी तरीके से हमने आपको ये चीज़ बताई कि अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, मतलब क्वांटिटी आप 10 टाइम्स कर रहे हो तो प्राइस भी 10 टाइम्स हो जाएंगी, अगर आप यहाँ सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी 11 टाइम्स कर रहे हो तो प्राइस भी 11 टाइम्स हो गई। तो बस हमें पता चल गया सीपी पता चल गया और एसपी पता चल गई, ये चीज़ें समझ आ गई आपको, हमने प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी थी वो हमने निकाल लिया, बस डेटा चेंज करके आपसे क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन थर्ड, अब हम करेंगे लेवल 2 का क्वेश्चन फोर्थ। ये क्वेश्चन देखो आपके क्या कह रहा है इसमें, और शॉपकीपर अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस एंड अर्नड 30% प्रॉफिट इफ ही गेट्स ₹90 एज अ प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन के करने के दो मेथड है, एक बेसिक से करेंगे और एक जो हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है हमारा सीपी अपॉन एमपी, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस की जो रेशियो होती है वो होती है 100 100 माइनस छूट प्रतिशत बट्टे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य बट्टे अंकित मूल्य। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई, तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज दिख रहा है आपको और
प्रॉफिट परसेंटेज दिख रही है। जब ये जो चीज़ें आपको दिख जाए दो चीज़ें, तो वो आपको निकल जाएगी, CPMP का रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। पहले क्या करते हैं, बेसिक मेथड दिखाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड होगा, ये देखो 25% छूट की बात हो रही है और 30% लाभ की। तो देखो 30% लाभ हो रही है, तो लाभ में जो है वो CP और SP के बारे में बात होती है। हम CP SP के रेशियो निकालते हैं। जहाँ पे छूट की बात हो रही है, छूट दिया जाता है मार्क प्राइस पे दिया जाता है, निकलता क्या है विक्रय मूल्य। तो वहाँ पे MP और SP के बारे में बात होती है, MP SP की रेशियो निकलेगी। तो एक जगह CP SP की रेशियो निकलेगी और एक जगह MP और SP की। वही चीज़ हम निकालेंगे भी। 30% का हो रहा है क्या, ये देखो लाभ हो रहा है। 30% का मतलब होता है 3/10। देखो ये हमारा CP, ये है SP और ये MP। तो 30% का लाभ हो रहा है। अगर 10 रहा होगा CP, तो SP क्या रहा होगा, 10+3=13। ये हो गया 10 सही 13 CP और SP का रेशियो। और क्या दिया हुआ है कि 25% छूट की बात हो रही है। सेम जो अलाउड और सॉफ्टवेयर अलाउड, किसी भी आर्टिकल जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई ना कोई आर्टिकल रहा होगा उस पर 25% की छूट दे रहा है। छूट देने के बाद भी 30% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 25% की अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो ये तो हमने CP SP का निकाल लिया। 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। जो भी MP रहा होगा उसका 1/4 माइनस हो गया होगा। 25% मतलब 1/4, मतलब अगर MP 4 रहा होगा ना दोस्त, अगर MP 4 रहा होगा तो 4-1=3 क्या हो गया होगा, 3 हो गया होगा हमारा SP, मतलब 3 हो गया होगा SP, MP क्या है 4, 3:4। ये हो गया CP SP MP 10:13, 3:4। इससे हम क्या करेंगे, CP SP और MP का कंबाइंड FA निकालेंगे रेशियो। 10 दिया हमने बताया था, ऐसे करके चलेंगे हम। 10 दिया होता कितना 30, 13 दिया 39, 13 × 4=52। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो क्या करते हम, 13 है तो इसके सामने 13 कर लिख दोगे, 3 है तो इसके सामने 3 लिख दोगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी रेशियो CP SP पर MP की। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है कि लाभ हो रहा है 90 रुपये का, मतलब CP ये है हमारा, SP ये है, इसके बीच में डिफरेंस 9 का है। लाभ तो यही होता है ना दोस्त कि SP में से CP को माइनस करते हो तो लाभ आता है। 9 की वैल्यू दी हुई है 90, आपसे पूछ क्या रहे, आप निकालो छूट की राशि। छूट कैसे होगा, 52 है हमारा MP, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है कितना 52, और SP है 39, मतलब 13 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का 13 का। 9 का वैल्यू 90 है, 13 की वैल्यू आपको निकाल ली है, 9 × 90 होता है, 13 × 130, मतलब 130 रुपये जो होंगी वो क्या होंगी, छूट होंगी, ऑप्शन बी। ये था हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन 4। ये था बेसिक मेथड जो रेशियो पे किया हमने। अब मैं आपको बताता हूँ इसको, जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, उस पे कैसे करेंगे। हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, वो क्या होता है CP/MP। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 25%। 25% का हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, लाभ देखो आप 30% का लाभ हो रहा है, 100 प्लस में हमने 30% का लाभ कर दिया। ये आ गया हमारा CP/MP, मतलब CP/MP की रेशियो क्या आ गई, 75/130 होगा, 130 वही होगा CP/MP। 15/25 कितना होता है 75, और 26/25 130, मतलब CP/MP की रेशियो आ गई 15/26। ठीक है, अब देखो आप इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता चल गया कि CP और MP का जो रेशियो है वो कितना है, 15/26। ठीक है, तो CP और MP का अगर आपको रेशियो पता चल गया क्या है, 15/26, हम क्या करेंगे, अब आपको दिया हुआ है कि 30% का लाभ हो रहा है, तो 15 CP है, 30% का लाभ हो रहा है, तो आपको डेसिमल वैल्यू आएंगी कैसे, 15 का 30% होता है 7.5, आप चले जाओगे 22.5 में। हम डेसिमल को अवॉइड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30/52, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऊपर नीचे रेशियो को किसी भी कांस्टेंट नंबर जो होती है नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो, रेशियो सेम रहेंगे। तो 30 और 52 का रेशियो रहेगा CP/MP का। 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 30 का 30% होता है 9, 30 का अगर 30% 9 होता है तो 30 + 9 क्या हो जाएंगे, 39 हो गई हमारी SP। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई, 30 हो गई CP, 39 हो गई SP और 52 हमारा क्या है MP। इतनी चीज़ें आपको पता है। अब आपको दिया क्या हुआ है, इफ़ ही गेट्स ₹90 एज अ प्रॉफिट,
30 है सी पी, 39 है एस पी, 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 की प्रॉफिट हो रही है। आपको निकालना क्या है, डिस्काउंट ही तो निकालना है। व्हाट इज द डिस्काउंट, 39 एस पी या 52 एम पी या 13 की वैल्यू निकालनी है, 9 की वैल्यू 90, 13 की वैल्यू 130 रुपीज। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ये रेशियो आ गए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 75/130, 15 और 26 की रेशियो। हमने बस इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दिया कि डेसिमल वैल्यू ना आए, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हो 15% का 30% निकाल के तो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने कर लिया यहाँ पे, 9 की वैल्यू जो सी पी 30 है, 39 एस पी है, 9 की वैल्यू 90 थी, 13 की वैल्यू आपको निकालनी थी क्योंकि डिस्काउंट ही तो पूछ रहा था आपसे, छूट की राशि ये होगी 130। ये था हमारे लेवल 2 के कुछ आज सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो लेवल 2 के एक और सेशन के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, इसी प्रीवियस लेक्चर्स को भी अच्छे से देखो, वीडियो को जो है ना सीक्वेंस में सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें है ना, हर एक चैप्टर अच्छे से आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो हमारा लेवल 2 के ही कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।